यहाँ पे आज जो कल्चरल इवेंट हो रहा है ये हम लोग एक फ्यूजन बना रहे हैं ताकि हम एलजी सर को दिखा सके कि एक ही फ्यूजन में कि यहाँ पे कितने सारे कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं या कितने सारे कल्चरल लोग मिक्स है, जैसे कि डोगरी कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, गोजरी कल्चर है और कश्मीरी कल्चर है। और मैं तो आज यही उम्मीद, हम सब आर्टिस्ट लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि एलजी सर आएंगे, हमारी बात सुनेंगे कि कुछ ना कुछ तो आर्टिस्टों के लिए करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया कोविड में, हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसी पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई थी जिसकी वजह से हम लोग चले, हमारा घर चले, ऐसी कोई पॉलिसी। हो सकता है आज इस इवेंट के ज़रिए उनको पता चले कि कश्मीरियों में बहुत टैलेंट है, और जो कि आजकल आप खुद देख रहे हो कि यूथ है यहाँ पर ड्रग्स में इन्वॉल्व है, गलत कामों में इन्वॉल्व। अगर वो यूथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो ये तो एक कौम के लिए बहुत अच्छी बात है, कौम तो इससे आगे जाएगा। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एलजी सर आज आए और हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च करें जिसकी वजह से हमें हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रही जो संस्थाएं, मुझे पता है उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी स्कीम तो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रभावी हो। संगीत के प्रोफेशन से जुड़ी संस्थाएं और अधिक समर्थ हो, कला से जुड़ी भी संस्थाएं और अधिक समर्थ हो, तब मैं समझता हूं कि पूरे समाज को योगदान भी दे सकेंगी, दिशा भी दे सकेंगी। ऐसे बहुत से सीनियर कलाकार राइटर हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके कारण सक्रिय नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो असमय हमसे बिछुड़ गए, उनके परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे कलाकारों को, उनके आश्रितों को इस तरह से प्रावधान ये आने वाले समय में प्रसिद्ध कहानियों को जो आग वो पानी कलहर के समय से ही पूरे देश के लिए इतिहास के बेहतर उस प्रयास को हम बहुत आगे नहीं ले जा सके, और इसलिए लोक प्रथाओं और लोक कलाओं को प्रिजर्व करने के तार छू लेते हैं। लिए हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, सीना, भद्रवी समूह की भाषाओं में मोनोग्राफ और पुस्तकें प्रकाशित हो, इसका प्रयत्न किया जाएगा। सांस्कृतिक रिवाइवल के लिए समाज और शैक्षणिक संस्थानों का भी योगदान उतना ही आवश्यक है।